खुद को तराशने की हद से गुजर जाए। Now I would like to invite the founder and president of MS Talk India, author Sherry. Good morning, everyone. Good morning. I welcome you all to MS Talks India Public Speaking Conference, and I want to give compliment to each one of you today. You all are looking very smart. दोस्तों, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। I request everybody to please pay attention. No self talking. Just give me your 10 minutes. And I promise you today that what I am going to share with you, the insight and the knowledge which I am going to talk about here in the given time, it can change your life. How many of you really want to make your parents proud? Please raise your hand. Thank you. How many of you really want to achieve success, come what may? Mera question aapne dhyan se suna hoga. How many of you really want to achieve success, come what may? Come what may. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Thank you. Those who have not raised their hands, I want to say thank you to all of you. Because you are honest. You guys are honest. Give yourself a big round of applause. I want all of you to now give a big round of applause to for them who have raised their hands. Come watch this. ये काम वो मैं कहते कि लेकिन ना बहुत वो तो कहते हैं ना अंकाली हो रही है, कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ये कैटेगरी। कैसा हो अगर आपको मैं आज कुछ ऐसा शेयर करूं जो कि प्रैक्टिकल हो? हाउ मच ऑफ यू आर रियली रेडी टू लर्न व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू? हाउ मच ऑफ यू रेडी? प्लीज जैसे मैं थैंक यू। ये जो वर्ड है इंस्पायर, लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में। मोटिवेशन एक अलग चीज होती है, इंस्पिरेशन एक अलग चीज होती है। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं आप सबको इंस्पायर करना चाहता हूं। और इंस्पायर वर्ड जो है, इंस्पिरारे एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, वहां से आया है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस हमारी संस्कृत भाषा से ही बनी है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पिक्चर देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? एनीबडी? एनीबडी? यस सर, ऑनेस्ट एंड क्यूट लुकिंग। थैंक यू। एनीबडी एल्स? डू यू ऑल लव मोमेंट्स? यस सर। यस, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टिंग। थैंक यू। यस सर। ट्रस्ट? ट्रस्ट। Do you all love moments? Let me ask you. Yes. Do you all love making moments? Yes. Friends, it's a priceless moment. Yes. Isn't it? Yes. Priceless moment है ना ये? Yes. ऐसी पिक्चर्स देखने को ज़्यादा फ़ोटा मिलती है लाइफ में, बहुत कम मिलती है, right? So the information which I'm going to share with all of you now, it is priceless. And I request everybody in this room to please be ready to make some notes. आपके नोटपैड तैयार है? Yes. आपके पास पेन तैयार है? Fantastic. So get ready for this priceless information. अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। इसको बोलते हैं गोल कार्ड। क्या बोलते हैं? गोल कार्ड। आप ये गोल कार्ड खुद बना सकते हैं अपने लिए। आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, एक छोटा पेपर लेना है, उस पर आपको एक गोल लिखना है जो कि आप अपने लिए अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और उसको आपको लैमिनेट कराना है। ये मेरा गोल कार्ड है,
ये मेरा गोल्ड कार्ड है, ये मेरा दूसरा गोल्ड कार्ड है। अगर आपके गोल आप रोज नहीं देख रहे हो तो आप सक्सेसफुल कम वर्ड में नहीं बन सकते यार, बिल्कुल नहीं बन सकते। अगर आप अपना गोल्ड कार्ड रोज देख रहे हो और आपने अपना गोल अपने हाथों से ऐसे लिखा हुआ है और आप उसको रोज स्टडी कर रहे हो और उसमें आपने लिखा हुआ है माय गोल बाय सो एंड सो डेट, सो आई वांट ऑल ऑफ यू नाउ टू प्लीज राइट डाउन योर गोल, वन टॉप गोल ऑफ योर लाइफ। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, प्लीज राइट इट डाउन राइट नाउ एंड प्लीज राइट द डेट, माय गोल बाय सो एंड सो डेट, एंड देन राइट वन और टू लाइंस। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन योर गोल इन 30 सेकंड्स। जो आपका टॉप गोल है, जो आपके माइंड में भी टॉप गोल है, उसको आप लिखिए अभी के अभी। अब आपको ये गोल को जो आपने लिख लिया है इसको लैमिनेट करवाना है और एक ऐसा कार्ड बनवाना है। डोंट प्रॉमिस मी हियर इन दिस कॉन्फ्रेंस, प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू वांट टू डू इट। द नेक्स्ट स्टेप फॉर योर कम व्हाट मे सक्सेस इज विजुअलाइजेशन। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे दोस्तों और आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को प्लीज अच्छे से फॉलो करें। पीछे मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस ऑसम। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी स्टूडेंट से प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी हियर सिटिंग इन दिस हॉल प्लीज क्लोज योर आईज एंड प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, कुछ अच्छा ही फील करेंगे आप। सभी की आंखें बंद हो चुकी हैं, जब तक मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस ना हो आप आंखें बिल्कुल मत खोलिएगा। अब मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूं, आपको सीन को फॉलो करना है अपने माइंड में, आंखें क्लोज रहनी चाहिए। एक आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है और उसका सांस फूल रहा है। फाइनली वो एक फ्लोर पे पहुंच गया, एक बहुत ही बड़ा गेट, एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का। जैसी वो उस गेट को ओपन करता है तो सामने एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत रिसेप्शन है। वहां पे एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है, सर हाउ मे आई हेल्प यू? और वो जेंटलमैन आपका नाम लेते हैं, वो जेंटलमैन आपका नाम लेते हैं और बोलते हैं मुझे इनसे मिलना है। वो रिसेप्शनिस्ट उनको बोलती है, प्लीज आप दो मिनट बैठिए। रिसेप्शनिस्ट कॉल करके कंफर्म करती है और उन जेंटलमैन को इनवाइट करती है कि आइए सर मैं आपको अंदर ले चलती हूं। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं वो जेंटलमैन, एक बहुत बड़ा ऑफिस, वहां पे एलईडी लगे हैं, कई सौ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग कैफेटेरिया में हैं, कुछ लोग ऑफिस के काम में हैं, कुछ लोग फाइल्स पुट अप कर रहे हैं, मानो जैसे कि आपका अपना ऑफिस है। जैसे ही वो इंसान, वो जेंटलमैन आगे बढ़ता है, एक बहुत ही आलीशान कैबिन का दरवाजा खोलने से पहले ऊपर नेम प्लेट पे लिखा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके नीचे लिखा होता है आपका नाम, उसके नीचे लिखा होता है आपका नाम। और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो जेंटलमैन, सामने आप बैठे होते हैं और आप सीट से खड़े हो जाते हैं, आप सीट से खड़े हो जाते हैं और सीट छोड़ के आते हैं। और जैसे ही आप उनको देखते हैं आपकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो आपके उस कॉलेज के प्रिंसिपल
और मेंटोर हैं जिन्होंने आपको एक दिन बोला था कि बेटा तो एक दिन सक्सेस जरूर अचीव करेगा अपनी लाइफ में। आप सब प्लीज आके खोल दीजिए। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? सर प्राउड। यू फीलिंग प्राउड? कैन यू क्लैप फॉर हिम? फ्रेंड्स जो हमने अभी थैंक यू सर जो हमने अभी एक्टिविटी करी है इसको बोलते हैं विजुलाइजेशन। क्या ये मुश्किल था? यस और नो? ये आप खुद कर सकते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको वो टूल्स बता के जा रहा हूं जिसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, किसी की कोई मदद नहीं लेनी है। आप जो कर रहे हैं ऑलरेडी, बस आपको वो साथ में ये फॉलो करना है। सक्सेस कम व्हाट मे। सो इसमें तीन स्टेप्स आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इट्स अ थ्री स्टेप प्रोसेस। आप सभी ने अभी क्या किया? तो स्टेप नंबर वन, इमेजिन इट। प्लीज नोट इट डाउन। स्टेप नंबर वन, इमेजिन इट। स्टेप नंबर टू, आपने क्या किया अभी? आपने फील किया ना? यस और नो? यस और नो? ओके, फील इट, दैट्स द सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर थ्री, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है उसका रीजन बता देता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स ओवर हियर? ऑलमोस्ट एवरीवन। डू यू नो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? मालूम है आपको? हम कोई चीज यहां से फेंकते हैं तो ये नीचे ही गिरती है, कभी ऊपर नहीं जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एम आई राइट? ऐसे ही लॉ ऑफ यूनिवर्स भी है। और लॉ ऑफ यूनिवर्स बड़ा सिंपल है, आपने सिर्फ ये चीज फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई है अभी, ये तीसरा स्टेप अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आर यू विद मी? श्योर? ऑलराइट, आई एम टेकिंग टू स्टेप नंबर थ्री, एफर्मेशंस। हम जो अपने आप से बात करते हैं हर रोज, सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा दुख हमें वही चीज देती है। देयर इज नो एनिमी आउटसाइड। और इसका एक कोट है जो डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पी ने लिखा है, इफ देयर इज नो एनिमी विद इन, द एनिमी आउटसाइड कैन नॉट हार्म यू। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। सो फ्रेंड्स ये एक अफर्मेशन है, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल अफर्मेशन। आई ऑल्सो यूज द सेम अफर्मेशन। और ये अफर्मेशन है, आप लोग 1, 2, 3 की काउंटिंग पे सब एक साथ बोलेंगे। 1, 2, 3। इसके आगे आपको भरना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम नाउ अर्निंग 10 लाख रुपीज अ मंथ। I am so happy and grateful that I am now absolutely fit and have 6 packs. Boy, be happy. I am so happy and grateful that I am now become a singer. How many of you want to become a singer? I can see one hand. I am so happy and grateful that I am now, whatever you want to fill up here, I request everybody, you have 15 seconds. Please note down this affirmation and write it here. Everybody. I'm giving you 15 seconds of time. I'm so happy and grateful that I'm now. इसके आगे का fill in the blank आपने भरना है। Are we done? लिख लिया सभी ने? ग्रेट। सो दोस्तों मैंने आपके साथ अभी जो शेयर करी है इंफॉर्मेशन, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं अगर आप ये इंफॉर्मेशन एज इट इज फॉलो करते हैं मेरे कहने पे, और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिसर्च बैक्ड है, ये मैंने नहीं क्रिएट करी है, मैंने इसको पढ़ के अपने ऊपर अप्लाई भी किया और समझा भी है। इसके साथ मैं आपको 5 किताबें रिकमेंड कर रहा हूं। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी विद 2 फोल्डेड हैंड्स
आप ये किताबें जरूर खरीदेंगे. खरीदेंगे? Yes, sir. Please invest in yourself. It will not cost you more than 2000 rupees. And you know what is the best part? इन सभी किताबों के वर्जन हिंदी में उपलब्ध हैं. इन सभी किताबों के वर्जन हिंदी में उपलब्ध हैं. तो किताब नंबर वन मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करिए. द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. प्लीज नोट इट डाउन. सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे. सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे, बुक नंबर वन. आप ऐसे किसी ने किताब पढ़ी है? ओके, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं. आप ऐसे कितने लोग रीडर्स हैं यहां पे? ऑसम, थैंक यू वेरी मच. दोस्तों किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं. बुक नंबर टू, पहली किताब लिखी सबने? यस और नो? बुक नंबर टू, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल. थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल. बुक नंबर थ्री, द प्रेजेंट, माइकल स्मिथ. बुक नंबर थ्री, द प्रेजेंट, माइकल स्मिथ. दोस्तों ये किताब आपकी जिंदगी बदल के रख देंगी, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं यहां से. ट्रस्ट मी, अगर आपने ये किताबें पढ़ ली, ये किताब आपकी लाइफ चेंज करेंगी. बुक नंबर फोर, सभी लोग लिख रहे हैं? ओके, बुक नंबर फोर, द सीक्रेट, रॉयना बैरन. द सीक्रेट, रॉयना बैरन. बुक नंबर फाइव, द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड, टी हार्वेकर. द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड, टी हार्वेकर.